श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सबका श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में स्वागत है। कार्तिक महीने के इस पवित्र दिन पर हम सब लोग श्री गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। आइए हम सुनते हैं कि श्री गिरिराज प्रकट कैसे हुए। इनका प्राकट्य गोलोक वृंदावन में हुआ। गोलोक वृंदावन का निर्माण करने के पश्चात भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। फिर राधा रानी कृष्ण के पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ में अंतरंग लीला करने के लिए कोई ऐसा स्थान चाहिए जो बहुत उत्कट हो और बहुत एकांत हो। तो फिर जब राधा रानी ने ये बात कही, उसी समय पर राधे राधे, उसी समय पर उनके वक्षस्थल से एक नील तेज प्रकट हुआ और वो गोलोक की भूमि पर विस्थापित हो गया। सबकी आंखों के सामने बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा, पर्वत के रूप में बढ़ने लगा। तो भगवान ने उसको रोक लिया और इस प्रकार से फिर गिरिराज का जन्म हुआ। श्री गिरिराज गोपियों की दृष्टि से भगवान के महान भक्त हैं। उनको गोपियों ने श्रीमद् भागवत में हरिदास वर्य कहा गया है। इस तरह से श्री गोवर्धन भगवान की इच्छा से फिर पृथ्वी पर आए हैं। आप जानते हैं सब पृथ्वी माता गौ माता बनकर गई थी। भगवान ने वादा किया था कि हम वृंदावन की भूमि को, श्री गोवर्धन धाम को और यमुना नदी को पृथ्वी पर भेजेंगे। उस उपलक्ष्य में फिर लौकिक दृष्टि से हिमालय में द्रोणगिरि के पुत्र के रूप में हमारे गिरि गोवर्धन का जन्म हुआ। जन्म से ही इतने सुंदर थे, इतने विशाल थे, रत्नों से, जड़ी बूटियों से, फलों से, फूलों से, झरनों से, सरोवरों से सुशोभित थे। पुलत्स मुनि आए काशी से। काशी में पर्वत नहीं है, और हाँ, पर्वत जो होता है वो भजन के लिए अनुकूल होता है। जैसे नदी किनारा, समुद्र किनारा, उपवन बगीचा, तो पर्वत पर भजन करने की इच्छा लेकर हमारे पुलत्स मुनि काशी से हिमालय आए। द्रोणगिरि के पुत्र को देखा, बड़े मोहित हो गए। द्रोणगिरि से विनती की कि आपका पुत्र हमें दे दीजिए ताकि उसके ऊपर बैठकर काशी में हम भजन करेंगे। एक क्षण में गोवर्धन तैयार हो गए। फिर क्या हुआ? गोवर्धन तैयार हो गए, उन्होंने शर्त लगाई, आप मुझे उठाएंगे, मैं आऊँगा, जहाँ नीचे रखेंगे वहीं बैठ जाऊँगा। तो चले चले आगे बढ़ते गए। लेकिन जब गोवर्धन वृंदावन के भूमि में आए, पुलत्स मुनि से उठाए हुए अवस्था में, तो पुलत्स मुनि को लघु शंका का वेग आया। और इतने बड़े योगी, इंद्रिय दमन करने वाले, लेकिन गोवर्धन के भक्ति भाव के प्रभाव से इनको अपना लघु शंका का वेग नियंत्रित करना नामुमकिन हो गया। झट से गोवर्धन को रखा और गए लघु शंका को निवारण करने के लिए। तुरंत लौट के आए, गोवर्धन को उठाने का प्रयास किया, गोवर्धन नहीं उठे। फिर ऋषि ने शाप दे दिया गोवर्धन को। ऋषि ने शाप दे दिया, तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं उठे, हर रोज एक तिल के आकार के समान जमीन पे ढसोगे। गिरिराज ने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपका शाप को स्वीकार करके भी ब्रज में रहूँगा। फिर पुलत्स मुनि अपने रास्ते चले गए और गोवर्धन जी यहाँ रस गए। आइए श्री गोवर्धन जी को पुष्प अर्पण करते हैं। और हाँ, ये पुष्प जो है आप सबकी ओर से, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं गिरिराज को अर्पण करूँगा। जय मेरे भगवान, प्लीज एक्सेप्ट मैं बोलो फ्लावर। अभी आप सबकी ओर से मैं श्री गिरिराज गोवर्धन को दंडवत प्रणाम करता हूं।
श्री गिरिराज महाराज की जय। तो सत्ययुग के शुरुआत में, सत्ययुग की शुरुआत में आप पृथ्वी पर आए द्रोण के पुत्र के रूप में, फिर त्रेतायुग आया। और त्रेतायुग में क्या हुआ, प्रभु रामचंद्र को सेतु बनाना था सीता को वापस लाने के लिए, तो उस समय हनुमान जी को भेजा गया था लंबे लंबे पर्वतों को लेके आने के लिए, दीर्घ दीर्घ पर्वतों को लेके आने के लिए। तो हनुमान जी के पास समय नहीं था, तो हनुमान जी आकाश में उड़ रहे थे, बड़े बड़े चट्टानों को लेकर सेतु में डाल रहे थे। उस समय आखिर में 7 कोस की जगह बची, तो हनुमान जी की इच्छा थी कि एक ही पर्वत ऐसा मिला मिल जाए जो 7 कोस का हो और 7 कोस की जगह में बैठ जाए। आकाश में उड़ रहे थे, देखा गिरिराज पर्वत गोवर्धन इतना सुंदर, बिल्कुल 7 कोस का, चलो उसको उठा लेते हैं। नीचे उतरे, तुरंत उठाने के लिए अभ्यास करना आरंभ किया, लेकिन गिरिराज टस से मस नहीं हुए। एक हाथ से उठाया नहीं उठे, दोनों हाथ से उठाया पूरे बल के साथ नहीं उठे। फिर सोचा कि इसका विस्तार देखते हैं, एक दिशा में गए तो वहां से अपने गोवर्धन जी विस्तारित होने लगे, इस दिशा में गए तो जहां जहां गए वहां विस्तारित होते गए। तब पता चला कि कोई महान विभूति है, दंडवत प्रणाम किया, पूछा महाराज जी आप कौन हैं? तो गिरिराज गोवर्धन करते, हमने आपने तो पूछा भी नहीं, आप कौन हैं बताया नहीं, परिचय नहीं दिया, क्यों उठा रहे वो नहीं बताया, सीधे उठा रहे। तो हनुमान जी ने फिर संक्षेप में पूरा रामायण सुनाया तब तक का, कि कैसे प्रभु रामचंद्र को बहुत त्वरित वो सेतु पूरा करना है। तो उस समय जो हनुमान जैसे महाबलशाली योद्धा को भी उठाने के लिए असमर्थ थे, वो गोवर्धन जी रुई की तरह हल्के हो गए और आकाश में लेकर हनुमान जी उड़ गए। अरे उस समय आकाशवाणी हुई देवताओं की तरफ से, राम जी का सेतु बंध पूरा हो गया है। तो हनुमान जी नीचे उतरे और इनको नीचे रखा जमीन पर, वृंदावन की भूमि पर। तो गोवर्धन जी आई हुई सेवा खो गई इसलिए इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। महान भक्त हनुमान जी दंग रह गए, इतना प्रेम, इतने अश्रु। प्रभु रामचंद्र को जाके बताया कि मैं आपके ऐसे भक्त से मिला जो इतना रोया सेवा खोने पर। तो प्रभु ने कहा वो मेरा परम भक्त हैं श्री गिरिराज गोवर्धन, उनको कह देना कि अगर अभी आना है तो आ सकते हैं, एक बार चरण स्पर्श होगा दोबारा पुष्पक से जाएंगे रावण की लंका से अयोध्या तक, लेकिन अगले अवतार में जब मैं आऊँगा तो 12 साल तक गिरिराज के अंदर और वातावरण में सब जगह आसपास में अंतरंग लीला करूँगा। तो बाद में हनुमान जी आए और बताया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं और बाट देखूँगा ताकि भगवान मेरे ऊपर 12 साल तक लीला कर सके। लेकिन जब वो संदेशा देने के लिए आए थे तब गिरिराज जी कहते हनुमान जी मुझे भगवान का विरह सहन नहीं होगा, आपको एक रूप में यहाँ रहना होगा। तो हनुमान जी रह गए पूंछड़ी का लोटा बाबा बनकर इनको सांत्वना देने के लिए। इस तरह से गिरिराज जी महाराज प्रकट हो गए यहाँ पर। और हम जानते हैं इंद्र ने बहुत बड़ा अपराध किया था भगवान का, तो भगवान ने उनकी पूजा रद्द की और गोवर्धन की पूजा की, सबसे पहला उत्सव मनाया और सबको कहा कि कूट के रूप में, पर्वत के रूप में आप मुझे भोग लगा दो। तो फिर सभी ब्रजवासियों ने जितने भंडार थे वो खाली कर दिए और कूट के यानी पर्वत के रूप में दान निवर्तन कुंड से आनियोर गांव तक एक उंगली भी बीच में रखने को जगह नहीं है, इतने व्यंजन लगाए। फिर ठाकुर जी ने कहा चलो हम गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार विश्व में अनादिकाल में सबसे पहली परिक्रमा श्री कृष्ण श्याम सुंदर जी के नेतृत्व में की गई, गोवर्धन की परिक्रमा। गोवर्धन की परिक्रमा करने के पश्चात भगवान ने गोवर्धन को सभी अन्नकूट का भोग लगाया। उस समय प्रेक्षक वृंद में श्री कृष्ण बालक रूप में खड़े और स्वयं पर्वत रूप में भी बने, विशाल पर्वत, अनंत हाथ प्रकट किए और सारे अन्नकूट को ग्रहण कर लिया। बदरौला गांव में वहाँ से ग्रहण कर लिया, जहाँ गोपी नहीं आई थी बरसाने के पास वहाँ से पीछे हाथ करके ग्रहण कर लिया, हाथ रस में आगे हाथ करके वहाँ से कूट खरीद कर खा लिए।
और कुछ ही क्षण में बोले, आनी और आनी और आनी और दो और दो। तब तो कुछ था नहीं, सब कुछ समाप्त हो चुका था। तो फिर तुलसी पत्र रखा गया, गिरिराज गोवर्धन संतुष्ट हो गए, कृष्ण का विशाल रूप भी संपन्न हो गया। और फिर कुछ ही क्षणों में सारे अन्नकूट दोबारा प्रकट हो गए और भगवान ने सभी ब्रजवासियों को कैसे उसको वितरित किया जाए इसका विस्तार से वर्णन किया। पूरे ब्रज लीला में, कृष्ण की लीला में, वृंदावन की लीला में इतना आनंदमय प्रसंग और कोई नहीं है। इतना आनंदमय प्रसंग, गोवर्धन की पूजा की जैसा आनंदमय प्रसंग और कोई नहीं है। उसके पश्चात आप जानते हैं सब लोग खुश थे, लेकिन इंद्र महाराज बड़े दुखी थे। तो उन्होंने वर्षाव किया, 7 दिन 7 रात तक। भगवान ने हनुमान जी को संदेश दिया था, जब मैं अगली बार आऊंगा तो 7 कोस का आपका पर्वत सेतु में मैं बसा नहीं सका, इसके प्रतिसाद में 7 दिन और 7 रात आपको मेरे सर के ऊपर छत्र के रूप में धारण करूंगा। तो जैसे इंद्र ने वर्षाव किया, 7 दिन 7 रात इनको उठाया, अपने बाएं अंग हाथ के सबसे कमजोर उंगली से पर्वत को उठाया 7 दिन 7 रात, और इंद्र के सबसे बड़ी शक्ति को, वज्र को और संवर्तक बादल को परास्त कर दिया। उसके बाद इंद्र नीचे आए, फिर इंद्र ने माफी मांगी है, फिर पश्चाताप किया है, फिर अभिषेक किया है। इंद्र के द्वारा अभिषेक हुआ, ग्वाल बालों ने भी अभिषेक किया, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, इंद्र ने किए हुए ऐश्वर्य पूर्ण अभिषेक के सामने मुझे ब्रजवासी बालकों ने प्रेम से किया हुआ अभिषेक बड़ा अच्छा लगा, ज़्यादा आनंद ज़्यादा स्वाद ग्वाल बालों के किए हुए अभिषेक में आया। इस तरह से हमारे गिरिराज जी गोवर्धन पर्वत हमारे सामने विराजमान हुए, सबको आनंद देने के लिए, सबको सुख देने के लिए, खास करके गोपियों को, ग्वाल बालों को, गैयाओं को और श्याम सुंदर जी को सुख देने के लिए विराजमान है हमारे गोवर्धन जी। ब्रज में ब्रज की शोभा है, ब्रज का महत्वपूर्ण अस्तित्व है, और इनकी परिक्रमा इनके चरणों की सेवा है। सबसे पहले भगवान ने की थी, आज भी हम भी करेंगे, इनके इर्द गिर्द परिक्रमा करेंगे, यानी पाद सेवन करेंगे। आइए, आज का दिन आपको सबको बड़ी बड़ी बधाई हो, क्योंकि आज के कार्तिक के शुभ दिवस पर हमें श्री गिरिराज की परिक्रमा करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जय जय श्री राधे, गिरिराज गोवर्धन की जय। गोपालदाऊ जी का मंदिर है, और यहाँ पर श्री बलदेव जी चंद्र सरोवर में होते हुए रासलीला का दर्शन करने के लिए आए, ताकि वो कृष्ण भगवान को संकोच में डाले। जब वो झुक कर उन्होंने दर्शन किया तो वो अति आनंद के अनुभव से स्तंभित हो गए, इसलिए इनकी मूर्ति इस मंदिर में दंडवत के स्थिति में है। जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। गोवर्धन परिक्रमा में आप सबका स्वागत है। गोवर्धन परिक्रमा श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के अनुसार मानसी गंगा के किनारे होती है। चैतन्य महाप्रभु ने मानसी गंगा में स्नान किया था, हरिदेव का दर्शन किया था, और उसके पश्चात अपनी परिक्रमा आरंभ की थी। परिक्रमा के कुछ नियम हैं, परिक्रमा पैदल करनी चाहिए, परिक्रमा में सदैव श्री गिरिराज का दर्शन करते रहना चाहिए, परिक्रमा में कोई कंकड़ नहीं उठाना चाहिए, परिक्रमा करते समय कोई कंकड़ इसलिए नहीं उठाना चाहिए कि इसमें गिरिराज शिलाएं होती है, वो ब्रज के बाहर नहीं लेके जाना चाहिए।
परिक्रमा तीन प्रकार की होती है, पैदल होती है, दंडवती होती है, और बच्चे लोग रिक्शा में भी परिक्रमा करते हैं। आज की परिक्रमा हम पैदल नंगे पैर मानसी गंगा के सहारे शुरू करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और मानसी गंगा का आचमन मैं भी आप सबकी ओर से करने वाला हूँ। मेरा वंदन और मेरा आचमन वो आपके प्रतिनिधि के रूप में होगा। श्री मानसी गंगा महारानी की जय। अभी हम श्री हरिदेव जी को प्रणाम करते हैं। हरिदेव जी का विग्रह श्री बज्रनाभ जी ने बनाया था। श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार ये विग्रह बज्रनाभ जी ने बनाया था और मानसी गंगा के किनारे में स्थापन किया था। आइए आप सबकी ओर से इन्हें वंदन करते हैं। श्री हरिदेव जी महाराज की जय। और यहाँ से हमारी परिक्रमा का हम आरंभ करते हैं। मानसी गंगा गोवर्धन में कैसे अवतरित हुई, इसकी सुंदर कहानी वर्णन करने के लिए हम परम आदरणीय राधा गोपीनाथ प्रभु को आमंत्रित करेंगे। हरे कृष्णा। ब्रज के बड़े अद्भुत अलौकिक रमणीय स्थानों में से एक है मानसी गंगा। मानसी गंगा गोवर्धन के तट पर बहुत ही एक विशाल सरोवर हुआ करता था, अभी भी काफ़ी बड़ा है। और प्रथा ऐसी है ब्रज में कि साधारणतः जो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, पहले वो मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव जी का दर्शन करके तत्पश्चात पूरी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। मानसी गंगा किस तरह से प्रकट हुई, इसी कथा भी बहुत ही सुंदर है कि एक बार कंस ने एक असुर को भेजा जो बछड़े के रूप में आया कृष्ण और बलराम का वध करने, वत्सासुर, और एक बछड़े के रूप में आया। कृष्ण बलराम ने तुरंत पता किया और अंततः उसका वध किया। पर तत्पश्चात गोप बालकों ने कहा कि कृष्ण तुमने एक बछड़े का वध किया है, गोवध का, गो हत्या का तुम्हें पाप लगा है, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, हम तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि अरे ऐसा कैसे, ये तो एक असुर था। बोले असुर था कुछ भी आप, और उसने एक गाय के बछड़े का रूप धारण किया था और इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे अभी, जब तक तुम जाके गंगा जी में स्नान नहीं करते। तो श्री कृष्ण ने ब्रज को छोड़ने की इच्छा नहीं थी, वृंदावनम परित्यज्य ब्रजमे पदम एकम न गच्छति। तो भगवान ने, कृष्ण ने आह्वान किया गंगा जी को, मानसी गंगा, मन से उसे आह्वान किया और गंगा जी वहां प्रकट हुई। और इस तरह से मानसी गंगा जो है ये भगवान की इच्छा से, उनके मन में इच्छा हेतु ये प्रकट हुई, उसको पूर्ण करने हेतु। तो अंततः हम जानते हैं कि कृष्ण जो भी लीला करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य हेता है, यही होता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। भगवान कभी दूषित नहीं हो सकते, क्या ग्वाल वालों को नहीं मालूम, पर ये लीला का मुख्य उद्देश्य ये है कि उनके जन्म, उनके कर्म और उनकी कृपा से जो गंगा जी यहाँ अवतरित हुई हैं वो केवल लोक कल्याण हेतु। हम देखते हैं न केवल भगवान बल्कि ऐसे महान भक्त हुए
जिनकी आह्वान करने से गंगा जी कई स्थानों में प्रकट हुई हैं। सर्वप्रथम हमें मालूम है कि गंगा जी का दूसरा नाम है भागीरथी। महाराज भागीरथ ऐसे तपस्या किए अलौकिक, कोई भी बहुत तपस्या करता था हम कहते हैं भागीरथ तपस्या है प्रयास। तो भागीरथ जी ने गंगा जी को प्राकट्य करने में एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। इसी तरह से मैं चित्रकूट गया था और वहाँ एक स्थान है चित्रकूट में सती अनुसुया, जहाँ अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुया जी के साथ निवास करते थे। कहा जाता है कि एक बार चित्रकूट में उस प्रदेश में 12 सालों तक लगातार अकाल पड़ गया, एक बूंद पानी नहीं था, लोगों में हाहाकार मच गई, भूखे थे, प्यासे थे लोग और लोगों की मृत्यु होने लगी। इस परिस्थिति को देखकर माता अनुसुया ने तपस्या की, घोर तपस्या, और कई सालों की तपस्या के बाद उन्होंने गंगा जी को वहाँ आह्वान करके प्रकट कराया और उसी के तट पर हम बैठे हुए कथा कर रहे थे। तो एक विचार ये आया कि भक्तगण पर दुख दुखी है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी के लोग उनके लिए अपने लगते हैं। तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रतपिता, जो भगवान को अपना प्रभु मानता है, पिता मानता है, तो सारे जीव भाई बहन हो गए और उनका दुख उनसे रहा नहीं जाता और तपस्या करके उनके कल्याण हेतु कोई ना कोई कार्य करते हैं। और ऐसे महात्माओं में एक थे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य। बैठे थे ब्रज में राधा दामोदर मंदिर में, पर सोच रहे हैं इतने असंख्य जीव तड़प रहे हैं संसार में, इनका उद्धार कैसे हो। इनका उद्धार तभी होगा जब ये पवित्र हो जाएंगे, इनका हृदय सारा मल निकल जाएगा और उसे दूर करने का एक ही तरीका है गंगा का स्नान। पर क्या पूरे विश्व को गंगा जी में लाएं? नहीं, गंगा जी को वहां ले जाएंगे, न केवल हर देश में, न केवल हर राज्य में, न केवल हर स्थान में, बल्कि हर घरों में। देखिए अद्भुत ऐसा चमत्कार, और वो चमत्कार श्रील प्रभुपाद जी ने किया। आप कहेंगे ऐसा कैसा, कौन सा चमत्कार किया भाई, कौन सा गंगा बहाया उन्होंने? आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो गीता महात्म्य की शुरुआत में कुछ श्लोक आते हैं, उसमें वर्णन है, भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता महात्म्य कहता है भारत अमृत सर्वस्वम, संपूर्ण महाभारत का सार भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम, भगवान के मुख से श्री कृष्ण आदि नारायण मूल विष्णु, विष्णु वक्ताद विनिश्रितम, उनके मुख से निकली हुई गंगा, उनके चरण से निकली हुई गंगा तीनों लोकों को पावनी पावन करते हैं। उनके मुख से निकली हुई जो गीता गंगा, गीता गंगोदकम पीत्वा, एक बार भी अगर किसी ने इसका पान किया, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से उसको इस संसार में आने की जरूरत नहीं है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशन। मल निर्मोचनम, हम इस संसार में हम दिन भर अगर काम करते हैं तो पसीना छूटता है, धूल लगता है, तो हम जब स्नान करते हैं तो अच्छा लगता है, हमको फ्रेश हो जाता, ताजा हो जाता। इसी तरह से इस संसार में आने के बाद हम भ्रमण करते रहते हैं और संसार के भौतिक इच्छाओं से, भौतिक कार्यकलापों में बंध जाते हैं, गुंथ जाते हैं। सो मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम, दिने दिने हर रोज स्नान करना पड़ता है, धूल लग गया तो शरीर, पर सकृत गीतामृत स्नानम, एक बार भी किसी ने अगर गीता में स्नान किया
संसार मलनाशनम, हमेशा के लिए पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी तपस्या से राधा दामोदर में बैठकर अपनी गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु गीता यथारूप, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप लिखा और उनके शिष्यों के द्वारा उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करके घर घर तक पहुंचा दिया, हर घर में गंगा जी को पहुंचा दिए। तो ये केवल एक दंत कथा नहीं है, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि महात्मा, ऐसे महात्मा जो लोग हैं, वैष्णव लोग, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, तो ऐसे महात्माओं में एक है श्रील प्रभुपाद जी, जिनकी कृपा से आज हम इतने सारे पवित्र स्थानों के बारे में समझ सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। बोलो मानसी गंगा की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गोवर्धन परिक्रमा के इस सुंदर उपक्रम में हम एक सुंदर स्थान पर आए हैं, वह है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के पास में श्री गोवर्धन जी बहुत निकट हैं। गोवर्धन जी का सबसे निकट दर्शन गोविंद कुंड पर होता है। जब इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया तो उसके चरणामृत का सब जल जो है वो गोविंद कुंड में इकट्ठा हुआ। आइए इस सुंदर स्थान पर हम हमारे परम मित्र कृष्णानंद प्रभु को कथा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये गोविंद कुंड है, ये गिरिराज जी के चरणों में बहुत ही पवित्र स्थान है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंद्र ने बहुत प्रयास किया मूसलधार बरसात करके ब्रजवासियों का नाश करने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गिरिराज जी को धारण किया और तब इंद्र को समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूं। वो भगवान के चरणों में गिर कर माफी मांगने लगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब इंद्र अपने गुरु के पास गए, बृहस्पति के पास, और उनसे निवेदन किया कि कैसे मेरा अपराध क्षमा होगा। बृहस्पति ने बताया कि आप किसी भक्त का आश्रय लो जो भगवान को बहुत प्रिय है। और बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र सुरभि गाय के पास गए और उनसे मदद मांगी। और इंद्र और सुरभि गाय के साथ लेकर जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान श्याम सुंदर ने उनको बड़े खुशी के साथ क्षमा कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी कई जन्मों से भगवान से बिछुड़ चुके हैं, हमने कई सारे अपराध किए हैं। अगर हम स्वयं भगवान से माफी भी मांगते हैं तो शायद हमारे अपराध क्षमा नहीं होंगे, लेकिन अगर हम गुरु और महान वैष्णव और आचार्यों का आश्रय ग्रहण करते हैं जो सुरभि गाय की तरह भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो हमारे अपराध आसानी के साथ क्षमा हो सकते हैं। तो यहाँ पर फिर बाद में इंद्र ने सुरभि गाय की सहायता से कृष्ण का अभिषेक किया। अब भगवान कृष्ण के अभिषेक से जो कुंड भर गया उसी का नाम हो गया गोविंद कुंड। तो हम यहाँ पर प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो भावना है इंद्र जैसी भावना कंट्रोल करने की, ईश्वर बनने की, वो नष्ट हो जाए और हम दासों के दास बनकर हरि नाम ले सके। साथ साथ ये यहाँ पर माधवेंद्र पुरी जी भी आए थे। माधवेंद्र पुरी जैसे आप जानते हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं और वो वास्तव में भगवान के धाम में कल्प वृक्ष के अवतार हैं। और वो जब धरती पर थे तो प्रगाढ़ कृष्ण प्रेम प्रदर्शित करते वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे और किसी साथी को भी नहीं लगते थे। अगर कोई साथी होता है तो कोई साधारण प्रजल्प का डर होता है, इसलिए वो अकेले रहते। और भ्रमण करते करते वो यहाँ पर आए वृंदावन में, फिर गोवर्धन की परिक्रमा की। वो अयाचक वृत्ति का पालन करते जिसको अजगर वृत्ति भी कहते हैं, अर्थात वो कुछ मांगते नहीं थे
अगर कोई बिना मांगे कुछ लाकर दे देता तो बड़े खुशी से स्वीकार करते, अगर कोई नहीं देता तो वो बस भूखे ही रह जाते थे। वो यहाँ पर बैठे हुए धीरे धीरे जप कर रहे थे और एक बहुत सुंदर बालक आए और उनके लिए कोई दूध ले, बोले बाबा बाबा आप ये दूध ग्रहण करो। बालक की सुंदरता को देखकर माधवेंद्र पुरी की भूख और प्यास सब नष्ट हो गई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, तुमको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? बालक ने बताया कि मैं यहाँ ग्वाला हूँ और मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता। यहाँ पर कुछ माताएं जो कुएं से पानी निकाल रहे थे, उन्होंने आपको देखा भूखा और वो उन्होंने मुझे ये पानी दूध दिया आपके लिए। मैं अभी बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा और फिर ये बर्तन आपसे लूंगा। माधवेंद्र पुरी ने दूध ग्रहण किया। उस बालक कौन है बालक, और वो विश्राम का वेट इंतजार करते करते वो विश्राम करने लगे। और उस समय बालक स्वप्न में आया और बोला कि मैं यहाँ गोपाल हूँ, मैं ही गोवर्धनधारी हूँ, मेरी स्थापना वज्रनाभ ने की थी, लेकिन मुसलमानों के डर से पुजारी ने मुझे यहाँ पर झाड़ियों में छिपा दिए। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मुझे गोवर्धन के ऊपर स्थापित करो, मेरी पूजा करो। तो माधवेंद्र पुरी उठे, पहले तो पश्चाताप करने लगे, अहो मेरा कितना दुर्भाग्य है, स्वयं भगवान आए और मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन फिर वो सोचने लगे, भगवान की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। आसपास के गांव के निवासियों की मदद से श्री गोपाल जी को बाहर निकाला और उनको स्थापना की, उनका अभिषेक किया, उनको भोग लगाया। आज यही गोपाल जी के विग्रह श्री नाथ द्वारा में सेवित है। माधवेंद्रपुरी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी थोड़ा एक कृष्ण प्रेम की एक बूंद मिल जाए। ये माधुर्य रस का जो प्रचार है, माधुर्य रस का जो ज्ञान है, वो माधवेंद्रपुरी से ही प्राप्त होता है। तो माधवेंद्रपुरी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी एक बूंद कृष्ण प्रेम मिले और हम भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में दासानुदास भाव में भगवान का नाम ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील माधवेंद्र पुरी की जय। श्री गोविंद कुंड की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी परिक्रमा में, गोवर्धन जी परिक्रमा में, हम अभी उत्तर दिशा में आए हैं। उत्तर दिशा में परिक्रमा का अंत होता है और हम गोल घूमकर चले जाते हैं। इस स्थान पर दो कुंड हैं, मेरे बाई ओर अप्सरा कुंड है, दाहिनी ओर नवल कुंड है। नवल कुंड पे श्री कृष्ण भगवान रासलीला में पिघल गए थे और अप्सरा कुंड में गोवर्धन के लीला में जब भगवान जी का अभिषेक किया गया तो अप्सराओं ने आकाशगंगा का जल आकर यहाँ पर रखा गया था। इसी के किनारे आगे जाकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने 24 अवतारों का दर्शन गोपियों को किया था। वराह बनकर पृथ्वी को खोदा था, राम बनकर दर्शन दिया था वानर सेना के साथ, 24 अवतारों का दर्शन दिया। तो ये अप्सरा कुंड और ये नवल कुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमारी परिक्रमा अभी यू टर्न लेने वाली है। राधे राधे श्याम श्याम। जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। परम सुंदर स्थान पे हम आए हैं, पूंछड़ी का लौठा बाबा। यहाँ से हमारी परिक्रमा जो है वो गोल घूमेगी। ये सबसे उत्तरी कोना है हमारी परिक्रमा का, तकनीकी दृष्टि से राजस्थान में आता है। पूंछड़ी का लौठा बाबा के रूप में हनुमान जी गोवर्धन में रुके, गोवर्धन को सांत्वना देने के लिए। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण भगवान अक्रूर जी के साथ बलराम जी को लेकर मथुरा जा रहे थे तो रास्ते में पूंछड़ी का लौठा बाबा मिले। उन्होंने कहा, आज तो हमारे घर से भोजन आने वाला था, आप कहाँ जा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा,
मैं जल्द ही लौट के आऊँगा। तो बाबा कहते हैं मैं तो यहीं बैठ जाऊँगा, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक भोजन नहीं करूँगा, जल नहीं पीऊँगा, निद्रा नहीं लूँगा। और फिर कृष्ण बलराम चले गए, और आप सब जानते हैं 2 दिन में तो कृष्ण बलराम लौट के नहीं आए, 115 साल से अधिक समय के बाद लौट के आए। तब तक पूंछड़ी का लोटा बाबा यहीं बैठे रहे, तो हष्ट पुष्ट कैसे रहे बिना खाए पिए? वो विरह भाव का आनंद ले रहे थे, इसलिए हष्ट पुष्ट हैं। आइए पूंछड़ी का लोटा बाबा के सामने ये प्रार्थना करते हैं कि संयम क्या वस्तु है, ये संयम होना भक्ति मार्ग में बहुत आवश्यक है। पूंछड़ी का लोटा बाबा इसके प्रतीक हैं, इसके उदाहरण हैं, उसके आदर्श हैं। हम सब मिलकर पूंछड़ी के लोटा बाबा को प्रणाम करते हैं और भक्ति मार्ग में संयम की अपेक्षा करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत सबसे उत्कट स्थान है ये, हृदय से दर्शन करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ पर इंद्र सुरभि को मिले थे और अपने हृदय की व्यथा यहाँ व्यक्त की थी, निवेदन किया था। सुरभि ने बड़ी ही दया से इंद्र को क्षमा की थी और कृष्ण के पास ले गए थे। तो हमारे लिए स्थान का क्या महत्व है? यहाँ पर हमने जाने अनजाने में जितने भी अपराध किए हैं, अगर हम प्रामाणिक भाव से यहाँ पर क्षमा याचना करते हैं तो यहाँ पर माफ़ी मिल जाती है, क्षमा मिल जाती है। आइए हम सब मिलकर सुरभि कुंड के किनारे हमारे सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, आचमन करें और निवेदन करें कि हम बड़े अपराधी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। श्री सुरभि माता की जय हो, जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए हमारे परिक्रमा के अंतर्गत आपका स्वागत है यतिपुरा में। यतिपुरा यानी यति यानी सन्यासी, माधवेंद्रपुरी जो वैकुंठ के कल्प वृक्ष के अवतार थे, वो गोवर्धन में आए थे। कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया था, दूध पिलाया था, उन्होंने गोपाल जी को प्रकट किया। वो बड़ी लंबी लीला है। उसके पश्चात माधवेंद्रपुरी इस गांव में आकर उन्होंने निवास किया, इसलिए इस गांव का नाम पड़ा यतिपुरा। और उसके पश्चात पुष्टि मार्ग के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी, उन्होंने यहाँ पर निवास किया। तो आइए हम यतिपुरा में वल्लभाचार्य जी को प्रणाम करते हैं, परम वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गी रामदास जी को प्रणाम करते हैं। ये गांव जो है वो श्रीनाथ जी के लीला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ में जो रसोई होती है 56 भोग वाली, और जो भोग लगता है उसी को वास्तविक रूप में 56 भोग मानते हैं और प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ पर 2 सुंदर शिलाएं हैं जिनका रोज श्रृंगार किया जाता है और दूध का सतत अभिषेक यहाँ पर होते रहता है। यहाँ पर एक सुंदर पेड़ है जिस पेड़ पर श्रीनाथ जी ऊपर नीचे जाया करते थे और गोपियों के घर में माखन चुराया करते थे।
बहुत सुंदर और अति उत्कट गांव है, वल्लभाचार्य का निवास स्थान है। हरे कृष्णा। श्री राधे, श्री बरसानो, श्री गोवर्धन, श्री वृंदावन धाम, श्री गोवर्धन धाम, श्री गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम, जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, जय हो। तभी हम परिक्रमा करते करते राधा कुंड श्याम कुंड इसके घेरे में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही उत्कट स्थान, इसमें केवल शांति रखना है, कुछ बातें नहीं करनी है, मनन करना है, चिंतन करना है, राधा रानी को प्रार्थना करना है। राधा रानी की सर्वोच्च कृपा जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी, केवल पात्र तैयार होना चाहिए। आइए, इस रूप गोस्वामी के अनुसार राधा कुंड और श्याम कुंड ये पूरे विश्व का, पूरे निर्माण का सर्वोच्च तीर्थ स्थान है। यहाँ पर जो कृपा है, स्वयं कृष्ण लेने को आते हैं, सारे वैष्णव जन आते हैं, सारे संप्रदाय के जितने आचार्य हैं सब यहाँ पर कृपा लेने आते हैं। आइए, आप सबकी ओर से मैं राधा कुंड का और श्याम कुंड का आचमन करूँगा और आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। जय हो श्री राधा कुंड धाम की, जय हो, जय हो प्रभु जी। आप भी आइए आचमन कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम, जय हो राधा कुंड श्याम कुंड की, जय हो, जय हो, अहो भाग्य।
जय हो मेरे अहो भाग्य श्री राधा रानी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो श्री राधे श्याम। अभी श्याम कुंड का आचमन करते हैं। अरिष्टासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने इसको बनाया था। सारे जितने भी विश्व के तीर्थ स्थान हैं सब राधा कुंड और श्याम कुंड में विराजमान हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च गंतव्य स्थान भक्तों के जीवन में राधा कुंड और श्याम कुंड। श्री श्याम कुंड धाम के आइए प्रभु जी आचमन कीजिए। जय हो। जय हो मेरे श्याम कुंड की जय हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्म जन्मांतर के पुण्य और वैष्णवों की सेवा करने के बाद में इस स्थान पर आने का भाग्य प्राप्त होता है। जय हो श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो। इसकी प्राकट्य की कहानी इतनी मनोहर इतनी मधुर है तो हम ऐसे भक्त को बुलाएंगे तो बड़े प्रेम से आपको राधा कुंड और श्याम कुंड के आविर्भाव की कहानी सुनाएंगे। आइए अब हम हमारे परम आदरणीय नंद दुलाल प्रभु जी को आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्री राधा कुंड में। हम ये समझें कि हम पूरे सृष्टि में सबसे पवित्र और सबसे उच्च स्थान पे यहाँ पे आए हैं। श्री उपदेशामृत में श्रील रूप गोस्वामी हमको बताते हैं पूरी सृष्टि में अगर कोई स्थान सबसे पवित्र है और भगवान श्री कृष्ण को सबसे सर्वाधिक प्रिय है तो वो है ये स्थान। कई बार इस कुंड की तुलना की गई है श्रीमती राधारानी स्वयं से। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को कभी कभी अजीत नाम से संबोधित करते हैं। अजीत अर्थात जिनके ऊपर कभी भी कोई व्यक्ति विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन श्री कृष्ण भगवान के ऊपर कभी भी कोई भक्त जब प्रामाणिकता से भक्ति करता है, प्रेम करता है, सेवा अर्पण करता है तो वो भगवान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो सोचिए श्रीमती राधारानी जो भगवान की सर्वाधिक प्रिय भक्त है, जो सर्वाधिक कृपालु भक्त है, वो श्री कृष्ण भगवान को कितनी प्रिय होंगी और वो भक्त श्रीमती राधारानी श्री कृष्ण के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करती होगी। तो ये एक स्थान है जहां पे हम समझ सकते हैं कि भगवान अजीत नहीं होते हैं, जीत होते हैं। तो कहते हैं एक बार कंस ने अरिष्ट नाम के राक्षस को भेजा और ये अरिष्ट राक्षस एक बैल के रूप में यहाँ पे मौजूद हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने इस अरिष्टासुर को तुरंत ही समाप्त कर दिया। और इस लीला के उपरांत जब श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के पास में श्री कृष्ण भगवान आए तो इन्होंने श्री कृष्ण भगवान को कहा, अरे पापी आप हमारे पास में कैसे आ सकते हैं, आप दूर रहिए, आप पिता समान बैल को कैसे मार सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने बहुत प्रयत्न किया उनको समझाने का, ये कोई साधारण बैल थोड़ी था, ये तो एक राक्षस था, इसको मारना तो जरूरी था। लेकिन श्रीमती राधारानी और अन्य गोपियां जो बहुत ही मासूम है इस कथा को स्वीकार नहीं किए और बोले अगर आपको हमारा संग करना है तो आपको पवित्र होना पड़ेगा। ठीक है, बताइए पवित्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको पवित्र होने के लिए ब्रह्मांड में सारे तीर्थ स्थानों में जाके स्नान करना होगा। श्री कृष्ण भगवान बोले ठीक है आप जो कहेंगे वही सही। उन्होंने तुरंत सारे तीर्थ स्थानों को, सारे पवित्र नदियों को आवाहन किया कि आप तुरंत यहां पे आ जाइए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से उसी जमीन के ऊपर थोड़ा एक गड्ढा बनाया और सारे देवियों को, सारे नदियों को कहा आप इसमें विराजमान हो जाइए। तुरंत सारी देवियां, सारे तीर्थ स्थान वहां पे मौजूद हो गए और वहां पे कुंड बन गया। क्योंकि ये भगवान ने बनाया हुआ कुंड है तो इस कुंड का नाम था श्याम कुंड। और इस श्याम कुंड में भगवान ने तुरंत स्नान कर दिया। भगवान बोलने लगे देखो सारे तीर्थ स्थान आ गए, हम तो पवित्र हो गए और कुछ ही क्षणों में हमने आपकी जो भी कंडीशन थी उसको पूरा कर दिया,
अब बताइए क्या करना है। तो थोड़ी शेखी बगारने लगे, अपने बारे में थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। श्रीमती राधारानी बोली, अच्छा हम भी एक पवित्र कुंड बनाएंगे। और श्रीमती राधारानी के हाथों में कंकण था, कंगन था, उसको उन्होंने तोड़ा और उससे जमीन में थोड़ा गड्ढा खोदने लगे। जब श्रीमती राधारानी उनकी नायिका ऐसी कर रही है तो सारे गोपियों ने अपने एक एक कंगन को तोड़ा और उस कंगन से गड्ढा बनाने लगे। और श्याम कुंड के कुछ ही अंतर में यहाँ पे और एक गड्ढा बन गया। और उस गड्ढे में अभी सोचिए कि पवित्र पानी कहां से आएगा, तो करोड़ों गोपियां हैं, उन्होंने सबने एक ऐसे कतार बनाई मानसी गंगा तक। तो जहां हम खड़े हैं वहां से मानसी गंगा तक सारी गोपियां ऐसे लाइन से लग गई और मानसी गंगा से यहाँ पे पानी लाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई। उतने में जितने भी पवित्र तीर्थ और पवित्र नदी यहाँ पे श्याम कुंड में मौजूद थे, उन्होंने एक अर्चना की, उन्होंने एक विनती की, हे राधा रानी, हम श्री कृष्ण भगवान की तो सेवा किए हैं लेकिन हम आपकी भी सेवा करना चाहते हैं। और श्रीमती राधा रानी इतनी दयालु है कि जब कोई भी व्यक्ति उनकी सेवा करने के लिए एक बार भी कभी विनती करते हैं तो उनको तुरंत स्वीकार करते हैं। जैसे ही श्रीमती राधारानी जी ने हाँ कहा तो सारी नदियां उस श्याम कुंड में से एकदम बड़े फोर्स के साथ यहाँ पे राधा कुंड में आ गई और उन्होंने इस गड्ढे को भी भर दिया। जैसे ही ये गड्ढा बन गया तो श्री कृष्ण भगवान तुरंत उस राधा कुंड में स्नान किए और एक उन्होंने ऐलान कर दिया, बोले इस कुंड में जब भी कोई भी आदर भावना से, अच्छे भावना से स्नान करेगा तो श्रीमती राधा रानी के मन में हमारे लिए जो प्रेम है वही प्रेम उनको प्राप्त होगा। ये सुन के श्रीमती राधा रानी ने श्याम कुंड में स्नान किया और श्रीमती राधा रानी ने ऐसे बताया कि इस श्याम कुंड में जो भी स्नान करेगा श्री कृष्ण भगवान को हमारे लिए जितना प्रेम है वही प्रेम उनको हमारे लिए प्राप्त होगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब यहाँ पे रहते थे तब उन्होंने देखा कि इस कथा को सुन के कई कई साधु, कई कई लोग यहाँ पे राधा कुंड में स्नान करने के लिए आते थे। तब उनको थोड़ी चेतावनी देने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ गलत भावना से स्नान करेगा, अशुद्ध भावना से स्नान करेगा, तो यही राधा कुंड जो राधा रानी का प्रेम देने में सफल है वो कुंड उनके लिए नरक कुंड का रूप ले सकता है। तो इसलिए हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे छलांग नहीं लगाते हैं, स्नान करते समय अपने पैरों को इस पवित्र जल से कभी स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे नमस्कार करते हैं, तीन बूंदे पानी लेते हैं और अपने यहाँ पे छिड़कते हैं और इस तरह से इस पवित्र कुंड को प्रणाम करते हुए उनको, उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो श्रीमती राधा रानी है इनका प्रेम स्वरूप द्रव्य रूप में ये राधा कुंड है और राधा कुंड का दर्शन ये श्रीमती राधा रानी के दर्शन से अभिन्न है। तो चलिए यहाँ पे हम श्रीमती राधा रानी से, श्री राधा कुंड से प्रार्थना करते हैं कि हमको भी श्री कृष्ण भगवान की सेवा में कोई स्थान दे और श्री कृष्ण भगवान के प्रति आकर्षण दे। बहुत बहुत धन्यवाद। You may offer your sincerest prayers and obeisances to Sri Radha Kund, and you may take the Akshman and bathe by putting 3 drops of her sacred waters on top of your head with a prayer for pure devotional service.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बताइए इतनी खुशी क्यों हो रही है? हमारी परिक्रमा श्री राधा रानी, श्री बलराम जी, श्री नित्यानंद प्रभु, इन सब की कृपा से हमारी परिक्रमा अभी संपन्न हो गई। पूरे दिन हम चलते रहे, संध्या के समय दोबारा हम मानसी गंगा के पावन तट पर पहुंच गए हैं। और ये परिक्रमा का फल क्या है? परिक्रमा का नंबर वन का फल तो ये है कि हमने गिरिराज जी का पाद सेवनम किया है, चरणों को वंदन किया है। और परिक्रमा का दूसरा फल है, अगर हमारी परिक्रमा भाव से संपन्न हो गई है तो गिरिराज महाराज जी हमें प्रेम और भक्ति का दान देंगे, सबसे श्रेष्ठ दान। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय कोई भी भौतिक इच्छा मन पे नहीं होनी चाहिए। हमने नहीं रखी है तो हमें क्या मिलेगा? हमें केवल प्रेम और भक्ति मिलेगी। श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर के चरणों के प्रति बहुत ही मधुर प्रेममयी भक्ति का लाभ होगा। आइए श्री मानसी गंगा को दोबारा प्रणाम करते हैं, हरिदेव जी को प्रणाम करते हैं। इन्हीं की कृपा से हमने परिक्रमा आरंभ की थी, इन्हीं की कृपा से संपन्न करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय।